एक बार फिर से BGMI में BGIS आ चुका है, तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या टाइम वेस्ट? इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 पॉइंट्स के द्वारा बताऊंगा, और जो 6th पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखना। अब आई नो तुम में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई तू कौन होता है, मैं बताने वाला, तूने ऐसा क्या उखाड़ लिया। तो भाई देखो, मैं एक BGMI एंड PUBG का एक बहुत ही पुराना ई स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुका हूँ, और मैं एक कॉन्टेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज है ई स्पोर्ट्स के बारे में, BGMI के बारे में, BGIS के बारे में। सो आई थिंक इतने क्वालिफिकेशंस काफ़ी हैं, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। तो और मेरे गेमर्स, क्या हाल चाल यार? अब मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। पहला पॉइंट, नो हाइप फॉर BGIS। लाइक पिछली बार की तरह हाइप बिल्कुल भी नहीं है भाई BGIS का। जिस तरीके का पिछली बार BGIS में हाइप था कि भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, गेमिंग में कुछ करके दिखाना है लोगों को, लाइक पर्सनली जब भी मैं गेम में जाता था ना, मैं जब मैं नए नए लोगों से मिलता था पिछले साल के BGIS में, वो लोग पागल थे भाई, वो जुनून दिखता था लोगों में कि हाँ भाई हमें अपने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, हमें वो प्राइस पूल जीतना है, हमें कुछ करके दिखाना है। अब वो हाइप नहीं है। इनफैक्ट इस वीडियो पे आने के जो व्यूज़ है ना, वो व्यूज़ के आने के भी चांसेस कम है। क्यों? इसलिए नहीं कि मेरी कैटेगरी से हटकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर गेमिंग टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, गेमिंग फोन्स रिलेटेड, इसलिए मुझे व्यूज़ नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं आएंगे बिकॉज अब उतना हाइप ही नहीं है इस BGIS का, ठीक है? तो इट इज़ अ एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है? ये चीज़ एक प्रॉब्लम बनेगी स्पेशली BGIS के लिए, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। सेकेंड पॉइंट, चीटर्स इन BGIS एंड स्पेशली इन BGMI। लाइक स्पेशली होगा क्या, जब पिछली बार तुम लोग जानते हो जो पिछली बार का BGIS था उसमें कितने सारे चीटर्स आए थे, एंड अनफेयर एडवांटेज वो लोग उठा लेते हैं। अब मैं चीटर्स का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ समझ जाओ तुम लोग, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो वर्ड नहीं बोलूंगा, बिकॉज थोड़ा रिस्की है, ठीक है? यूट्यूब पर वो वर्ड बोलना थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। खैर तुम लोग समझ ही गए होगे मैं चीटर्स का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे लोगों की वजह से, इन चीटर्स की वजह से जो गलत चीज़ कर कर आगे बढ़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल में जो डिजर्विंग प्लेयर होता है, जो मेहनत कर रहा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा अपना टाइम दे रहा है, उसके लिए एक चीज़ हो जाता है कि भाई फ़ायदा ही क्या है BGIS को खेलने का या BGIS में जाने का, लाइक रजिस्टर करने का फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि भाई चीटर्स आएंगे। और ऐसे भी चीटर्स के खिलाफ कुछ ज़्यादा आवाज़ उठाई जाती नहीं है, तुम लोग जानते ही हो हमारी कम्युनिटी को। सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, चीटर्स की वजह से ही सबसे बड़ी दिक्कतें आती हैं। खैर आगे के पॉइंट्स इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखते रहो। थर्ड पॉइंट, नाउ एवरी प्लेयर इज प्रो। मेरे कहने का मतलब क्या है, लाइक आज की डेट में कोई भी नूब नहीं है। अब देखो, पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, जब ई स्पोर्ट्स में, चाहे वो BGIS में हो, BGIS के पिछले साल की बात करूं या फिर मैं कुछ साल पहले के e-sports की बात करूं, तो अगर कोई 1v4 कर देता या स्मोक में 6x के स्प्रे से भाई बंदे नॉक कर देता, हमें लगता था कि भाई ओ ओ, हमारा रिएक्शन नहीं होता था, बट नाउ ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा रिएक्शन अब हम लोग का होता है, बिकॉज अब सबको गेम खेलना आ गया है, सभी को बेसिक चीज़ें पता है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो अब वो जो बोलते हैं ना, वो फीलिंग नहीं आता है लोगों को देखकर कि भाई किसी ने कर दिया 1v6, किसी ने कर दिया 1v2, 1v4, भाई स्प्रे मार दिया, खतरनाक स्प्रे मार रहे हैं, बंदे गाड़ी से उतार रहे हैं, तो हमारे लिए अब वो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई वो मार दे ना, हमें हमारे दिमाग में बस यही लगेगा कि भाई हम भी कर लेंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं एक अजीब सी चीज़ है कि अब हमें कुछ यूनिक करना पड़ेगा। अब जो BGIS में लोग आएंगे ना, उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो, जो कि एक ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है। फोर्थ पॉइंट इज BGIS अपॉर्चुनिटी और टाइम वेस्ट। यानी कि क्या BGIS एक तरीके का अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम्हारे लिए एक गोल्डन चांस है, या फिर बस वक्त की बर्बादी है? देखो यार, सबसे पहली बात, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर है, कोई ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम कुछ करके दिखाते हो तो तुम्हारा नाम ज़रूर बनेगा इस चीज़ में, बट कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट भी है उनके लिए, जो लोग अपना जॉब को छोड़कर, है ना, अपनी स्टडीज़ को छोड़कर, अपने पढ़ाई लिखाई को कम्प्लीटली छोड़कर ये सोचते हैं कि मुझे करियर बनाना है और घुस जाते हैं इस चीज़ में, ठीक है? तो उनके लिए एक प्रॉब्लम है। कैसे? देखो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने खुद ई स्पोर्ट्स से मैं बाहर निकला हूँ, मेरा भी उतना कुछ खास अभी के टाइम में मैं एक्टिव नहीं हूँ। रीज़न क्या है, लाइक अगर तुम ऐसे बंदे हो कि भाई जिसकी एज 18 से कम है, ठीक है, अपनी
लेट अपने टीन एज में हो तो ऑब्वियसली ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वक्त दो इस चीज को। अगर तुम्हारा एज कम है, अगर तुम अभी सेवेंथ एट्थ एकदम टीन एज में हो, 18 से कम एज की हो, कोई जॉब का प्रेशर, कोई घर का प्रेशर, कोई घर संभालने का प्रेशर नहीं है, तब कर सकते हो, बेशक कर सकते हो और इस चीज में तुम कुछ ना कुछ अपना निकाल के दिखा सकते हो। लेकिन 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 अगर तुम्हारा एज हो गया है, तुम 18 प्लस हो, काफी वक्त तुमने दे भी दिया है, काफी वक्त तुमने दे दिया है, लाइक 2 साल 3 साल तुमने दे दिया है इस चीज में, और फिर भी लास्ट एक होप रख के सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं कुछ कर लूंगा, तो उनके लिए ये कंप्लीट टाइम वेस्ट है, बेकार है। मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, किसी को मैं हर्ट नहीं करूंगा, किसी को डीमोटिवेट नहीं करूंगा, क्योंकि काफी सारे लोग बोलेंगे भाई डीमोटिवेट कर रहे हो, डीमोटिवेट नहीं है मेरे भाई, ये एक रियलिटी चेक है। मैं पर्सनली खुद जॉब करता हूँ, कॉलेज भी मैंने किया है, तो मेरे को पता है भाई कि किसे घर चलाने में कितनी दिक्कतें आती हैं लोगों को, ठीक है। मैंने अपने खुद के अपने फैमिली में अपने अपने कितने बड़े लोगों को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है, ठीक है। पैशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नो डाउट ज़रूरी है। पैशन, पैशन से हमें अपना करियर बनाना बहुत मतलब होता है ना कि होता है, हमें लगता है कि हमें कर लेना चाहिए, अपने पैशन को भी अपना करियर बना लेना चाहिए, बट इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तो जितने भी लोगों का उम्र कम है, लाइक तुम 14, 15, 18 से कम के हो, सो आई विल सजेस्ट कि तुम इस चीज़ में अपना थोड़ा टाइम दो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो, और अगर तुम्हारे एज हो गया है तो आई सजेस्ट कि भाई कुछ और देखो, बिकॉज इसमें करियर नहीं है। खैर इसके करियर के बारे में मैं आगे बात करूंगा, तो देखते रहो। फिफ्थ पॉइंट, नो ग्रोथ नो करियर इन BGMI e-sports। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लाइक पिछले पॉइंट में मैंने इसके बारे में बात किया था, खैर अभी मैं क्लियर कर देता हूँ क्यों इसमें ग्रोथ नहीं है। देखो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, भर भर के कॉम्पिटिशन है, और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अब तुम्हें कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा लोगों को, ऐसे ही तुम आगे नहीं बढ़ जाओगे, और इस चीज़ में एक सर्टन करियर भी नहीं है। रियलिटी चेक मैं तुम्हें देता हूँ, तो पर्सनली मैंने भी देखा कि जब तक तुम परफॉर्म कर रहे होते हो तब तक तुम्हें इज्जत पैसा शोहरत सब मिल रहा होता है, लेकिन लाइक कब तक अच्छा खेलोगे, जरूरी नहीं ना कि भाई हर बार तुम अपने टीम को डोमिनेट करोगे या अच्छा परफॉर्म करोगे, कभी ना कभी डाउनफॉल तो आएगा या कभी कभी तुमसे गलतियां होंगी, तो उस प्लेस पे तुम्हें बहुत ज़्यादा डाउट करा जाएगा, तुम्हें बहुत सारे तुम्हारी हो सकता है तुम्हें अपने स्क्वाड से ही निकाल दिया जाए कि भाई तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, चलो निकलो, ऐसा होते हुए देखा है मैंने। मतलब ये इंडिया में ऐसे पेपर वर्क नहीं होता है कि भाई पेपर वर्क कर दिया कि टीम में ज्वाइन, ना परफॉर्म नहीं करोगे निकाल देंगे, ये ख्वाब में बिल्कुल मत रहना कि भाई इसमें करियर है तुम इससे एक लाइफ टाइम करियर बनाकर लाइफ टाइम पैसा बनाओगे, नहीं। गेमिंग में अभी के लिए इस टाइम में तो ऐसा कोई रूल नहीं आया है कि भाई तुम लाइफ टाइम तुम पैसा बनाओगे अगर तुम एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाते हो, स्पेशली BGMI में। बाकी गेम्स का मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट रियलिटी बता रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझे बोलेंगे कमेंट में कि भाई तुम डीमोटिवेट कर रहे हो ये वगैरह वगैरह, मैं बस भाई तुझे रियलिटी दिखा रहा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें रियलिटी दिखाने का, पर्सनल एक्सपीरियंस का। मैंने कितने लोगों को निकलते हुए देखा है भाई, करियर नहीं है इस चीज़ में। हाँ आज तुम पैसे बनाओगे, कल बनाओगे, परसों बनाओगे या नहीं, फ्यूचर में तुम बना पाओगे लाइफ टाइम तक पैसा, ये कोई गारंटी नहीं है। और एक चीज़ का तुम लोग ध्यान देना कि पिछली बार की तरह इस बार भी BGIS का जो प्राइस पूल है वो उतने का उतना ही है, जो 2 करोड़ था वो 2 करोड़ का 2 करोड़ ही है। अगर ग्रो हो रहा होता BGMI तो क्यों वो लोग क्यों नहीं इसका प्राइस बढ़ाए। और तुमने एक चीज़ नोटिस भी किया होगा कि कहीं ना कहीं BGMI का ना डाउनफॉल चल रहा है, ठीक है, क्योंकि तुमने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा एड्स चलाए जा रहे हैं BGMI के, भाई की भाई या रॉयल पास ले लो, ये कर लो, गेम में गेम खेलो। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ की जब डाउनफॉल होने लगता है ना तो उसको प्रमोट करना लोग शुरू करते हैं। अगर तुम लोग को BGMI के डाउनफॉल के रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में डी जरूर लिख देना, मैं प्रॉपर रिसर्च करके बना दूंगा, तो कमेंट में डी जरूर लिख देना अगर तुम्हें एक वीडियो उस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। सिक्स्थ पॉइंट, BGIS इज नॉट फॉर लो एंड डिवाइस प्लेयर्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो यार बहुत ही सिंपल सा एकदम पॉइंट है। मुझे बहुत सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पे स्पेशली आके DM करते हैं कि भैया मैं एक लो एंड डिवाइस प्लेयर हूँ और मुझे BGIS करना है इस बार का, मुझे कोई आइडिया दो आप मैं कैसे करूँ। सबसे पहली बात भाई, तेरे पास बेसिक चीज़ ही नहीं है, वो है एक अच्छा डिवाइस होना। आज की डेट में अगर तुम ई स्पोर्ट्स में घुस रहे हो, तुम्हारे पास अगर एक 60 FPS का डिवाइस भी है ना तो वो भी कम है, तो तुम कहाँ से कम्पीट कर पाओगे एक 30 FPS 40 FPS 20 FPS वाला डिवाइस लेकर एक आईफोन प्लेयर से जिसके पास 50-60 हज़ार का डिवाइस है।
पॉसिबल नहीं है। मैं समझ सकता हूँ उस दर्द को, मैंने भी कोशिश की थी तुम्हारी तरह ही, और मैं बहुत अच्छे लेवल तक गया भी था, ठीक है, लो एंड डिवाइस लेकर, बट एंड में हमारे साथ भी वही दिक्कत हुई थी। मेरी भी यही कहानी थी कि डिवाइस के चक्कर में हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई स्पोर्ट्स में। सो मैं सब समझ सकता हूँ, तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, बट ब्रो रियलिटी यही है कि तुम नहीं कर सकते एक लो एंड डिवाइस को लेकर BGIS में कूदना या कोई भी कॉम्पिटिटिव मैच में कूदना और तुम नंबर वन आ जाओ या आगे उस लेवल पे पहुंच जाओ, पॉसिबिलिटीज नहीं है, स्पेशली आज की डेट में। सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, मतलब यही रहेगा सभी से कि बाकी सब गेम्स में भी अपने आप को ई स्पोर्ट्स प्लेयर कहते हो तो बाकी सब गेम्स को भी खेलो थोड़ा बहुत, है ना, उन सब चीज़ों को डिस्कवर करो। एंड आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं आए हो सो मैं किसी को रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, बट अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कर देना सब्सक्राइब। बाकी वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। BGMI में अभी रिसेंटली 120 FPS आया है, और 120 FPS आने से ना बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स भी आएंगे जो कि तुमको एज अ BGMI एंड PUBG प्लेयर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, जिस वीडियो का जो लिंक है ना वो सामने ही आ रहा होगा, क्लिक करो और अभी देखो।